मेक्सिको सिटी प्रतिबंध शहर के अस्पताल में शुरू होता है। दंगों के दौरान घायलों के रूप में उनकी जगह लेने के लिए मरीजों को सचमुच सड़क पर फेंक दिया जाता है। गरीब उच्च तबके के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, जो शहर को क्रांति के रंगहरे रंग से भर देता है। इसके बावजूद नोवेलो परिवार के घर में वे अपनी इकलौती बेटी मैरियन से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दुल्हन अपने मंगेतर को नहीं छोड़ती। अलो और 100 मेहमानों ने प्रत्याशा में नवविवाहितों के लिए चश्मा उठाने का मजा लिया। उस जज का जो शहर में अशांति के कारण देरी से आया था, एक और लिफाफा जो उसे प्रस्तुत किया गया था, उसे तिजोरी में रखने के बाद मैरियन की मां स्तंभ खुद को धोने के लिए सिंक में जाती है, लेकिन नल से हरा पानी बहता है जबकि वह अपने पति के पीछे भागती है। पानी अपने सामान्य रंग में लौट आता है और इवान को यकीन है कि उसकी पत्नी बस घबराई हुई थी, लेकिन महिला को यकीन है कि घर में कोई था जो हरे रंग का पेंट लाया था, जिसका मतलब है कि वह दंगों में शामिल है, जिससे परिवार बोझ परोसते हैं और हमेशा की तरह महिलाओं में से एक है हमेशा दुखी। छुट्टी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि विक्टर मंत्री, कई बच्चों के पिता आते हैं। वह एक करीबी और बहुत प्रभावशाली पारिवारिक मित्र के रूप में विशेष देखभाल से घिरा हुआ है। मैरियन इस बात से थोड़ा परेशान है कि उसकी शादी व्यापार वार्ता में बदल गई है, लेकिन उसकी मां ने मना कर दिया। लड़की को अधिक मिलनसार होना चाहिए ताकि उपयोगी फ्रांस को अपमानित न किया जा सके। कुछ और मेहमान आते हैं और महिला का पूरा शरीर हरे रंग से ढका होता है। इससे कई बिलर को दूर जाना पड़ता है। हाउसकीपर माटा ने बताया कि रोलेंडो एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसने नोवेलो परिवार के लिए जीवन भर काम किया है और वह गेट पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसे दिन उनके आने से महिला दुखी रहती है, लेकिन फिर भी वही यह पता लगाने के लिए बाहर जाती है कि वह यहाँ क्यों है। रोलेंडो अपनी पत्नी अलिसा को बचाने के लिए पूर्व मालकिन से एक बड़ी रकम मांगता है। बूढ़ी औरत को एक नए वाल्व की जरूरत होती है और इस ऑपरेशन की कीमत 200। आदमी दूर जाता है और वह पैसे लेकर लौटने का वादा करती है। विक्टर अपने सूत्रों के माध्यम से सीखता है कि उसे शादी से बाहर निकलने की जरूरत है, लेकिन वह बच्चों को लेने के लिए अपनी पत्नी को फुसफुसाते हुए किसी को चेतावनी देने का इरादा नहीं रखता है। बूढ़ा चुपचाप कार में बैठ जाता है। बेल अपने पति से पैसे का एक हिस्सा अपने बेटे डैनियल से थोड़ा अधिक लेता है, जो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ नृत्य करता है। रोलेंडो के पास लौटकर करोड़पति उसे 30,000 देता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह और पैसे नहीं देगी। रोलेंडो के जाने से पहले मैरियन को शादी की बधाई देने के लिए ब्रोच करता है और लड़की उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर बहुत खुश होती है जिसने उसे उठाया था, यह जानने के बाद कि वह क्यों आया था। गोरा उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहता है और घर लौटकर पैसे पाने की कोशिश करता है, जबकि दुल्हन अपने भावी पति के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। डेनियल रोलेंडो के पास जाती है और कुछ और बिल दिए जाने पर उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन मैरियन अपने पुराने दोस्त को मदद के बिना छोड़ने का इरादा नहीं रखती है। वह अपने दान किए गए पैसे से तिजोरी खोलने की कोशिश करती है, अपने पिता के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है और यहाँ तक कि अलग के लिए एक दृश्य बनाती है जब मैरी और अपने रिश्तेदारों से मदद नहीं पाती है। लड़की क्रेडिट कार्ड लेती है और खुद ही समस्या का समाधान करने जा रही है। वह नौकरानी माटा और भतीजे रोलेंडो के ईसाई बेटे से संपर्क करती है और एक पता मांगती है जहां वह उन बूढ़े लोगों को ढूंढ सके जहां लड़का अपनी प्रेमिका के साथ जाने का फैसला करता है, ताकि वह शोर शहर में अकेले सवारी न करे। माटा अपने बेटे को यह पता लगाने के लिए बुलाती है कि वे कहां गए हैं और क्रिस्टन मैरियन से फोन लेते हुए उसे बताती है कि वे एलिस को अस्पताल ले जाते ही वापस आ जाएंगे, लेकिन शहर में जोड़े बाधाओं से मिलते हैं और वे राजमार्ग पर नहीं जा सकते। इस समय मेहमान मौज मस्ती करना जारी रखते हैं, लेकिन अचानक शहर की सड़कों से विद्रोही बाढ़ के माध्यम से आंगन में घुसने लगते हैं। मालिक अपने गार्ड की मदद के लिए फिलिप को बुलाते हैं, लेकिन अब वह हथियार उठाने और साथियों को हरी बत्ती देने वाले पहले लोगों में से एक है। इवान घायल होने वाले पहले लोगों में से एक है। लुटेरे अन्य सभी मेहमानों को घर में ले जाते हैं और सभी गहने उतारने और उन्हें पैसे देने की मांग करते हैं। फिलिप बिलर को अलग से बंधक बना लेता है, यह जानते हुए कि उसकी कोठरी में पैसों से भरी तिजोरी है। होस्टर्स उसे सारे पैसे देते हैं, लेकिन इससे उसकी जान नहीं बचती। माटा डैनियल की पत्नी के साथ छिप जाती है, लेकिन वे मिल जाते हैं और उसके पास क्रिस्टन को वापस न आने की चेतावनी देने का समय नहीं है। मैरियन की कार भी दंगों के केंद्र में आ जाती है और यह महसूस करती है कि क्या है, क्रिस्टन ने लड़की को छिपाने के लिए कहा ताकि वह पहिया के पीछे हो जाए। उनकी मैक्सिकन उपस्थिति पर संदेह पैदा नहीं होना चाहिए कि परिवार के बने लोगों ने कई वर्षों तक उनकी ईमानदारी से सेवा की है, अब खुशी के साथ अमीरों की त्वचा पर शांति से शरीर पर कदम रख रहे हैं। इस बीच बर्बर घर से वह सब कुछ निकाल लेते हैं जो संभव है और जो वे नहीं ले जा सकते हैं, और हमलावरों को तोड़फोड़ और बोरिंग बेच देते हैं। हरा रंग क्रिस्टल लुटेरों की भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाता है और मारियाना को अपने घर ले आता है। रोलेंडो जिसके साथ गाइड याद साझा करता है, ऐसे अतिथि से नाखुश है, भले ही वह अपनी पत्नी को बचाने जा रहा था।
रात होते होते यह शहर हमारे सूर्य और सायरन की धधकती आग से भी बड़े नरक में बदल जाता है। ईसाई पाठ मैरी घर के अपने हिस्से में लड़की को थोड़ा नीचे बुलाने के लिए पानी डालती है। यह जीवित माथा नोवेला हाउस से निकलती है जहां व्यवहारिक रूप से सुबह के समय कोई जीवित नहीं बचा है। ऐसा लगता है कि कानून प्रवर्तन शहर को शांत करने में कामयाब रहे। मैं अस्पताल में एक दांव पर रहता हूं और मृतकों के शव घर से ले जाए जाते हैं। मैरी इन घर चलाने वाली है, लेकिन क्रिस्टियन उसे अपना समय लेने के लिए कहता है और गेट के बाहर उन चीजों की जांच करने के लिए जाता है जिन्हें दो सैन्य लोगों ने दंगे में शामिल होने के संदेह में पकड़ लिया था, लेकिन वह उन्हें समझाता है कि वह मालिक की बेटी की सेना की रखवाली करने के लिए घर से बाहर नहीं निकला। उसके शब्दों की जांच करें और उसे सुरक्षित घर लाने के लिए मैरी को उत्तर देने के लिए आमंत्रित करें। बख्तर बन ट्रक में बैठे लड़की तुरंत समझ जाती है कि सेना उसके गहनों से टॉवर की रक्षा नहीं करेगी और फर्श को देखने की मांग करेगी। शहर मलबे में तब्दील हो गया है और हताहतों की संख्या से अटा पड़ा है, लेकिन सेना तेजी से सब कुछ साफ कर रही है। माथा आखिरकार घर पहुंच जाती है, लेकिन उसके पास क्रिश्चियन को यह बताने की ताकत नहीं है कि क्या हुआ। वह केवल इतना ही पूछ सकती है कि मैरियन कहाँ है। क्रिश्चियन को यकीन है कि उसे घर ले जाया गया था, लेकिन वास्तव में लड़की के माथे पर एक सीरियल नंबर लिखकर दर्जनों अन्य लोगों की तरह वह हमारे सैन्य अड्डे पर लाया है। मारियाना को एक सेल में अन्य बंदियों को सौंपा गया है, जहां से उन्हें पूछताछ के लिए एक एक करके बाहर निकाला जाता है। सभी रिश्तेदारों के पते और सभी नामों का पता लगाया जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति। डेनियल इस समय अपने पिता के बगल में अस्पताल में है। अनुष्ठान एजेंट उसके साथ उसकी माँ और गर्भवती पत्नी के बारे में सवालों पर चर्चा करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़के के पास इसके लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। अलग के साथ लड़का मुख्य मुख्यालय में विक्टर से मिलने के लिए आता है। मंत्री ने सब कुछ हल करने का वादा किया और मैरीन को उस आदमी को आश्वस्त करते हुए पाया कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं होगी और उन्हें सामान्य विद्रोह से परिचित कराना होगा जो व्यक्तिगत रूप से इसमें उनकी मदद करेंगे। सेल के फर्श पर सो जाने के लिए लेकिन कैदी एक कठोर चीख के साथ जागना शुरू करते हैं और कई लड़कियों का चयन करते हैं। उन्हें बगल के कमरे में ले जाया जाता है जहां सिपाही उनसे अश्लील हरकतें करते हैं। एलिस की तबीयत खराब हो रही है और रोलांडो अस्पताल जाने वाला है, लेकिन बूढ़े आदमी को सड़क पर रोक लिया गया और मान की कि वह घर से निकल जाए। नोवेल्ला परिवार बाकी संपत्ति बेच देता है और इवान को घर भेज देता है, जो एक नारकीय शादी से बचने में कामयाब रहा। विक्टर एक पुराने दोस्त से मिलने आता है और उससे वादा करता है कि वे मैरीन को ढूंढ लेंगे, इस तथ्य के बावजूद कि जेल में एक महीना पहले ही बीत चुका है। वे कैमरे पर चरम कैदियों से अपील रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। अपने परिवारों से वे सब कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं जिसकी उन्हें उम्मीद है कि यह उन्हें आज़ादी दिलाएगा। मैरियन भी संदेश लिखती है। रोलांडो माथा पर दस्तक देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह फिर से अस्पताल में भर्ती होने की कोशिश करेगा। कम से कम बहुत बीमार हो गया और वह सुबह देखने के लिए जीवित नहीं रहेगी। बूढ़ा सही निकला, न तो उसकी पत्नी बची और न ही वह खुद इस रात और सुबह बचा। उन्हें स्थानीय चर्च में दफनाया गया है। इवान के फोन पर मैरियन का एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश आता है। जब मजदूरी के बाद अपहरणकर्ता लड़की को घर वापस करने का वादा करते हुए एक बड़ी फिरौती मांगते हैं। इस समय कैदियों को बर्फीले स्नान करने और इसे देखने की अनुमति है। गार्डों का एक समूह गोरा नोवेलो पर चर्चा करता है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उस पर अतिरिक्त पैसे कमाने का फैसला करता है। यहाँ तक कि गार्ड लड़की को थोड़ी देर घुमाने ले जाता है और उसे उसी शाम को बाहर निकलने में मदद करने का वादा करके एक गुप्त भोजन देता है। सेना क्रिस्टन और माथा के घर आती है। वे लड़की को सलाह देते हैं कि रेस प्रेमिका के बदले में एक बड़ी राशि मिल जाए, ताकि उस तरह का पैसा मिल सके। उसे इस समय जेल में बास पाने के लिए पूरे शहर में दौड़ लगानी पड़ती है। वे और भी अधिक गंभीर यातना की ओर बढ़ रहे हैं और इस तमाशे के वीडियो रिश्तेदारों को भेजे जाते हैं। डेनियल और डेलिन रिकॉर्डिंग को विक्टर के पास ले जाते हैं, जो वादा करता है कि अब वे निश्चित रूप से वर्क परमिट प्राप्त करने वाली लड़की को पुराने मालिकों के घर में बसा पाएंगे, क्योंकि अन्यथा शहर से गुजरना संभव नहीं है। हर जगह टर्नस्टाइल और सशस्त्र सैनिक हैं। ईसाई डेनियल को सब कुछ बेचता है और वह लड़की को अपनी बहन को फिरौती देने के लिए आवश्यक राशि देता है। सेल में कैदियों में से एक को सूचित किया जाता है कि उसके लिए पैसे का भुगतान किया गया है, जो आदमी को छोड़ देता है और दूसरों को आशा देता है, लेकिन एक दूसरे बाद में हर कोई एक शॉट सुनता है और आशा मर जाती है। क्रिश्चियन माथा पैसे को सड़क पर ले जाती है, लेकिन सेना उनसे मिलती है। प्रवेश ने सहमत राशि ले ली है। वे रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें दो बार जितना चाहिए। लड़के के पास इसके बारे में फिर से डेनियल को बताने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन केवल अब वह सेना के बारे में कहानी पर विश्वास नहीं करता है और विक्टर को पुराने फ्रांस पर अपने अधीनस्थों के अपहरण का आरोप लगाते हुए बुलाता है, जो सेना को गोल कर देता है, जो माथा और प्राशन को छोड़कर अतिरिक्त धन प्राप्त करना चाहता था। सभी विवरणों का पता लगाने के बाद यारेब व्यक्तिगत रूप से जेल में आता है और मैरियन को सेल से बाहर ले जाता है। लड़की अनावश्यक सवाल नहीं पूछती है,
लेकिन उसे अपना चेहरा पोंछने और चुपचाप क्रिस्टीन के घर जाने वाली कार में डालने की अनुमति है। इस समय अन्य सभी कैदियों को आग की मदद से अपराधों के सभी निशान मिटाकर समाप्त कर दिया जाता है। ईसाई को उसके हाथ में एक बंदूक दी जाती है और इस समय सैन्य आदमी ट्रिगर खींचता है। मारियाना इस बार पहले से ही शौचालय में है। विक्टर डेनियल को एक दोस्त के घर लाता है और उसे बताता है कि यह ईसाई था जिसने उसकी बहन का अपहरण कर लिया, जिसके बाद उसने खुद को मार डाला। दंगों के सभी आरोपियों को मृत्युदंड के लिए तैयार किया जा रहा है। इवान, डेनियल और अलर को सुलेमान के निष्पादन के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें यह देखना होगा कि माथा के साथ साथ सैन्य आदमी को क्या नहीं करने के लिए दंडित किया जाएगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।